हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि सर। तो आज हम लोग बात करेंगे एमएक्स प्ले पर रिलीज हुई एक नई सीरीज जिसका नाम है समांतर। ये एक मराठी सीरीज है मगर ये आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों ही अलग लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। और मैं बता दूं, इस सीरीज में आपको 9 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड के लिए लगभग 18 मिनट से लेकर 22 मिनट के बीच में ये कहानी। बताने से पहले मैं आपको इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर, उस कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। हमारा इस सीरीज का मेन कैरेक्टर, उसका नाम है कुमार महाजन, जिसका यहाँ पे रोल प्ले किया स्वप्निल जोशी ने। स्वप्निल जोशी मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही पॉपुलर एक्टर भी और वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी रह चुके हैं, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने जो रोल प्ले किया उस कैरेक्टर का नाम है कुमार महाजन। तो अब मैं बात करता हूँ कुमार महाजन की। कुमार महाजन एक ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। वो एक मैरिड मैन है, यानी कि उसकी बीवी भी एक बच्चा भी है। ना ही वो अपनी बीवी की कुछ भी छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर पा रहा, ना ही वो अपने बच्चे का ठीक तरह से ख्याल रख पा रहा। तो टोटली वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है। और यही चीज उसका दोस्त, यानी कुमार महाजन का दोस्त नोटिस कर लेता है। और वो कुमार महाजन को एक दिन एक स्वामी, कह सकते हैं आप, एक बाबा के पास लेके जाता है। फिर उसके बाद कुमार महाजन की किस तरह से लाइफ बदलती है, उसके लाइफ में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी जिसका नाम है समांतर। अब देखो, मैं इसका कुछ भी स्पॉयलर्स आपको दे रहा नहीं हूँ, क्योंकि ये सीरीज ऐसी है जो आपको देखोगे तो ही मजा आएगा। और जो एपिसोड 18 से लेके 22 मिनट के बीच में, तो एपिसोड कब खत्म होते हैं पता भी नहीं चलता है। तो कुल मिला के ये सीरीज आप जरूर देखना, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। इस सीरीज से रिलेटेड अगर कुछ भी आपके क्वेश्चन हो गए तो आप मुझे जरूर कमेंट करके पूछना, मैं आपको बता दूंगा। खैर, अब इस सीरीज में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे किसका लगा? तो देखिए, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस स्वप्निल जोशी का, जिन्होंने इस सीरीज में काम किया कुमार महाजन का। और देखा है तो उनके अलावा यहाँ पर कोई भी आपको बड़ा कैरेक्टर या कोई बड़ा एक्टर देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये सीरीज स्वप्निल जोशी के कंधों पर है और उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। उनके एक्सप्रेशन हो या जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, सब कुछ मुझे अच्छा लगा। और इस सीरीज की अगर बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो इसका बीजीएम भी बहुत अच्छा है, कहीं कहीं जगह पे बहुत अच्छा है, कई कई जगह पे ठीक ठाक है। तो देखा है तो इस सीरीज का बजट भी कोई हाईफा है नहीं, तो जिस हिसाब से इसका बजट है उस हिसाब से अगर ये सीरीज को देखा है तो बहुत अच्छा। और मैं तो बोलूंगा एमएक्स प्लेयर पे आप एक ऐसी सीरीज से आदि लेंस से कि जो देखने रहेगा, जो ऑडियंस को बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। और ये सीरीज भी कुछ हटके अलग तरीके से बनाई गई है, उसका जो कॉन्सेप्ट है काफी यूनिक लगा, इस वजह से हम लोग इसका यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज आप लोग को जरूर देखनी चाहिए। ये सीरीज आपको एमएक्स प्लेयर पे मिल जाएगी और ये फ्री में है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, आपको एमएक्स प्लेयर डाउनलोड करना, वहां से आप ये सब सीरीज देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, आप लोग जब एमएक्स प्लेयर ऑन करोगे तो ये लिख के आएगा समांतर मराठी, लेकिन अगर आप समांतर हिंदी करके सर्च करोगे तो हिंदी वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, तो आप इसे हिंदी में देख सकते हो। बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूँ राशि शेख और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट में। तो बस अपना टाइम वेस्ट मत करो, अभी इसी वक्त जाओ एमएक्स प्लेयर पर और ये सीरीज देखो और इंजॉय करो। तो बस मिलते हैं कल किसी नए वीडियो। टिल देन।